जिले में अभी तक 421 कोरोना के मरीज मिल चुके हैं। फिलहाल एक्टिव मरीजों की संख्या 123 है। आज जिले में कुल 10 मरीज कोरोना के सामने आए हैं, इसमें से एक मरीज इटारसी के मालवीगंज का है। गरीबी लाइन में मुर्गियों के बीच खेल रहा एक बच्चा नाले में गिर गया। आसपास मौजूद लोगों ने जैसे ही उसे देखा, बच्चे को तुरंत नाले से बाहर निकालकर उसे सरकारी अस्पताल में ले जाकर भर्ती कराया। बच्चे की उम्र 3 से 4 साल की है। बच्चे का उपचार सरकारी अस्पताल में चल रहा है और उसकी स्थिति अब ठीक है। बच्चे का नाम तथ्य पिता राहुल केवट है। जब सोशल मीडिया पर बच्चे की फोटो वायरल हुई तो माता पिता को पता चला कि उनका बच्चा नाले में गिर गया था, जो अस्पताल में है और भर्ती है, जिसका उपचार चल रहा है। इसके बाद दोनों अस्पताल पहुंचे और बच्चे को देखा। तवा डैम घूमने गए 3 दोस्तों का मंगलवार की शाम को एक्सीडेंट हो गया था। इसमें से एक की मौत हो चुकी है। एक ही बाइक पर सवार होकर डोंगरवाड़ा निवासी सागर कीर अंकित निमोदा, सचिन निमोदा तवा डैम घूमने गए थे। वापस लौटते समय करीब शाम 7 बजे बागदेव टर्निंग पर पीछे से आ रहे एक ट्रक ने टक्कर मार दी। टक्कर से सागर कीर की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि सचिन और अंकित बुरी तरह से घायल हो गए। सुहागपुर के सेमरी हरचंद में मंदिर से चांदी के 3 मुकुट चोरी हो गए थे। मुकुट चोरी करने वालों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। थाना प्रभारी महेंद्र सिंह कुल्हारा ने बताया कि सीसीटीवी फुटेज के आधार पर एक संदिग्ध आरोपी को आनंद सोनी, जो पचमढ़ी से है, गिरफ्तार किया था। पूछताछ में आरोपी ने मुकुट चोरी करना कबूल किया है। आज बुधवार को सुबह तेज बारिश हुई। बारिश से पहाड़ी नाले उफान पर आ गए थे। इससे शहर के नदी नाले भी उफान पर आ गए और पुलिया के ऊपर से पानी बहने लगा। हालात ये बन गए कि इन पुलिया पर पुलिस जवानों को तैनात करना पड़ा। तो देखते रहिए खास खबरों के लिए HBNL।